अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 21st एपिसोड। और इस एपिसोड में हम जर्मन शेफर्ड वर्सेस पिटबुल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, पिटबुल का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट से है। पिटबुल डॉग टेरियर और बुलडॉग का क्रॉस ब्रीड है। पिटबुल डॉग फियरलेस और स्ट्रांग होते हैं, इसलिए लोगों के दिमाग में इनकी बैड रेपुटेशन है। और ये डॉग ब्रीड फ्लोरिडा, ग्रेट ब्रिटेन, डेनवर और न्यूजीलैंड में बैन है। लेकिन समय के बदलते वक्त में कुछ सिटीज इनके ऊपर से बैन हटा रही है। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इस डॉग ब्रीड को मैक्स वैन स्टेपनीज ने पहले ब्रीड किया था। गार्डिंग एंड सोशलाइजेशन, पिटबुल डॉग मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स पावर और एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन डॉग्स को बचपन से ही अच्छी तरह सोशलाइज किया तो ये डॉग्स अच्छे फैमिली फ्रेंडली डॉग भी बन सकते हैं। इन डॉग्स को डेली 40 टू 50 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए, और इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। पिटबुल को अपने मालिक के साथ रहना बहुत पसंद होता है और बहुत लगाव भी होता है। अगर कोई स्ट्रेंजर अपने ओनर के ऊपर हमला करे तो वो उनकी जान भी ले सकता है। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की पॉपुलर डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं, और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ओनर के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं और स्ट्रेंजर के सामने बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये डॉग्स अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, लेकिन इनको बचपन से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनको छोटे बच्चों के साथ और दूसरे डॉग के साथ बचपन से ही घुल मिल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग अच्छे गार्ड डॉग और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर एंड शेडिंग, पिटबुल डॉग ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लूइश ग्रे, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेडिश ब्राउन और फॉन कलर्स में पाए जाते हैं। पिटबुल का कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको ग्रूमिंग करना और मेंटेन रखना आसान होता है, और इनका शेडिंग सीजन 8 to 9 मंथ्स में आता है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर कलर्स में पाए जाते हैं, और इनका कोट लॉन्ग होता है, इस वजह से इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। जर्मन शेफर्ड का शेडिंग सीजन 6 or 8 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, पिटबुल का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 25,000 to 30,000 तक आता है। जर्मन शेफर्ड का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000 to 25,000 तक होता है। हाइट, पिटबुल की एवरेज हाइट 18 to 20 इंचेस होती है। जर्मन शेफर्ड की एवरेज हाइट 22 to 26 इंचेस होती है। वेट, पिटबुल का एवरेज वेट 14 to 30 केजी तक होता है। जर्मन शेफर्ड का एवरेज वेट 25 to 40 केजी तक होता है। लीटर साइज, पिटबुल की लीटर साइज एवरेज 5 to 10 पपीज तक होती है। जर्मन शेफर्ड की लीटर साइज 6 to 10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, पिटबुल का लाइफ स्पैन 8 to 15 ईयर्स तक होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का लाइफ स्पैन 10 to 13 ईयर्स तक होता है। प्राइस, पिटबुल की एवरेज प्राइस 12,000 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस 10,000 से लेके 22,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये डॉग वर्सेस डॉग का 16th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से फैमिली डॉग को चूज़ किया या गार्ड डॉग को, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।